Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing fine, safe, secure at your place. So in today's video, I am going outside to buy my specs because day before yesterday I went for a party and there I misplaced my specs. So without specs मिले जी ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से घर आई हूँ. ठीक है, दिख नहीं रहा है. आई एम अनेबल टू सी, मतलब मैं सिस्टम को ज़्यादा देर तक नहीं देख पा रही हूँ. मेरे आँखों से पानी आ रहा है, मेरी आँखें जलने लग जा रही हैं. और कल मुझे ऑफिस जाना है और ऑफिस मेट्रो से जाती हूँ और मेट्रो पे मैं वो चीज़ें नहीं पढ़ पाऊँगी. वो क्या, उतनी दूर क्या, मतलब मैं पास का भी नहीं देख पा रही क्योंकि मुझे आँखों में काफ़ी जलन हो रही है. तो चलिए मैं जा रही हूँ स्पेक्स लेने, बट उससे पहले मैं जाऊँगी SN सरोजनी नगर. देखते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं क्योंकि काम नहीं कर पा रही हूँ. काम मेरे पास बहुत पेंडिंग काम था, मुझे ऑफिस का बहुत पेंडिंग काम करना था बट मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं सिस्टम देख ही नहीं पा रही हूँ. तो चलिए मार्केट चलते हैं, वहाँ देख थोड़ा सा घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा मूड फ्रेश करेंगे बिकॉज मैं अपसेट हूँ और अपसेट मैं तभी ठीक हो सकती हूँ जब मैं थोड़ा सा ऐसे अच्छे कपड़े देख लूँ, अच्छा खाना खा लूँ. अपसेट इसीलिए हूँ क्योंकि स्पेक्स घुमा दिया, वो मैंने सिर्फ 2 महीने ही हुए थे मुझे वो स्पेक्स लिए हुए, इसलिए मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है. उसके बाद हाँ चलते हैं. सो मैंने मेट्रो ले ली और मुझे जाना है IN है और वहाँ से मेट्रो चेंज करनी है. तो ये देखिए, अब मैं पिंक लाइन की साइड जा रही हूँ और आप ये देख सकते हो कि ये एरो है और बस चलते हैं. गाइस मार्केट में एंट्री हो चुकी है, बहुत ज़्यादा रश थी. ट्रस्ट में सैटरडे संडे जाना तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं होता, बहुत ज़्यादा मार पड़ती है भीड़ में. और अब मैं आपको ये कोट्स दिखा रही हूँ, बहुत सुंदर थे लेकिन पास जाके नहीं देख पा रही. सो गाइस मैं बाहर आ गई हूँ, मुझे सिर्फ एक ग्लास लेना था अभी, तो इस मैंने स्पेक्स के लिए देखना था और टाइम भी नहीं मिला शूट वूट करने का और काफ़ी ज़्यादा रश है. मैंने कुछ लिया भी नहीं. एक बुक मैं लेना चाहती थी विच वॉज उसमें लिखा था डू एपिक शेयर, बट अगेन बहुत रश था तो फिर नहीं लिया. कभी और फिर से आऊँगी और फिर से आपको दिखाऊँगी. और बस चलिए अब चलते हैं ऑप्टिकल की शॉप पर बिकॉज मुझे स्पेक्स बनवाना बहुत ज़रूरी है. तो जस्ट बिकॉज मैं पीछे वाले रास्ते से आ रही हूँ तो मुझे वहाँ पे ना क्रॉकरीज बहुत सुंदर मिली, मुझे बहुत पसंद है ना. और जैसे चटनी के लिए, अगर आप मोमो खा रहे हो, चटनी खा रहे हो, कुछ अच्छा खा रहे हो, कुछ तंदूरी खा रहे हो, तो बहुत सुंदर प्लेट्स मिली. और प्लस मुझे एक वास मिला जो बहुत ट्रेंडी वास है, काफ़ी सस्ता था, 200 रुपीज़ का था. मैंने नहीं लिया, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं आज पैसे खर्चने का, आई डोंट नो व्हाई. और जैसे ही मैंने बोला पैसे खर्चने का मन नहीं है, मुझे एक बुक स्टॉल और दिख गई और फिर मैंने अपनी ये 2 बुक्स ले ली, दी एपिक. सो गाइस आई जस्ट अगर मैंने कुछ नहीं लिया, सिर्फ मैंने वो ली और बुक लेनी थी वो भी नहीं ले पाई, बट अचानक फिर मुझे ये 2 बुक्स का एक स्टॉल दिख गया और मैंने अपनी ये 2 फेवरेट बुक्स ली. फेवरेट तो नहीं, हाँ मुझे पसंद है बुक्स पढ़ना बट नहीं पढ़ पाती हूँ, टाइम नहीं मिलता उतना. बट यस फाइनली मैंने कुछ तो ले ही लिया. आज तो घर जाने में भी डर लग रहा है. ये सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन का हाल है और ऐसा लग रहा है मैं किसी बॉर्डर पे हूँ, कोई बॉर्डर क्रॉस करी हूँ, एक कंट्री से दूसरे कंट्री माइग्रेट हो रहे हैं हम लोग. पहले ही मार्केट में बहुत मार पड़ चुकी है यू नो इतनी भीड़ की वजह से. एंड लुक एट दिस गाइस, मुझे ये देख ही नहीं रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है. सो आई एम टेकिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे नेक्स्ट आइए नहीं उतरना और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, दिख ही नहीं रहा है मुझे. ओह गॉड गाइस वो देख रहे हो आप फुट जो प्रिंट्स हैं. मैं यहाँ से चढ़ के ऊपर आई और अब मैं वापस नीचे जा रही हूँ बिकॉज मैंने ध्यान नहीं दिया. अरे यार क्या ही लाइफ होती है. अब मैं इसे ही फॉलो करूँगी क्योंकि ये मुझे क्लियरली दिख रहा है. गाइस आई एम हंग्री टू बट अब ये देख लो मैं ना इनके ना मेन्यूज ही नहीं पढ़ पाऊँगी. ये जंबो बुकिंग करके कुछ है, मुझे यहाँ का बर्गर खाने का मन है. आई कैन रीड दिस 49 बट हाँ देखने के लिए मुझे बहुत पास जाना पड़ेगा. सब इज़ ऑल्सो देयर बट ठीक है, घर ही चलते हैं, पहले चश्मे बनवाते हैं फिर ही खाऊँगी अब तो मैं. सो गाइस घर आ गई हूँ, 6:30 हो रहे हैं, 6:20 हो रहे हैं शाम के. फ्रूट्स लेके आई हूँ, मार्केट में कुछ नहीं खाया बिकॉज यू नो ये बिन बात का खर्चा इज़ वेरी पेनफुल, मतलब जिसमें आप खा नहीं रहे हो, जो आपके यूज़फुल नहीं है. और आपकी छोटी सी स्टूपिडिटी कि आपने ध्यान नहीं रखा और आप खो गए, मतलब खो दिया आपने अपना एसेंशियल सामान बिकॉज विदाउट स्पेक्स तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है. जो मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने कुछ कमिटमेंट दी थी अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए और वो भी नहीं हुआ, तो मुझे ज़्यादा बुरा वो लग रहा है. और
आई डोंट नो आई एम गोइंग टू कवर दैट। तो बहुत सारी चीज़ें तो दिमाग में चल रही है, तो ठीक है वो हो जाता है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो चलिए कुछ खाते हैं। मतलब मैं फ्रूट्स लाई हूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था ऑयली और ये सब खाने का, क्योंकि मैं एक हफ्ते से मैं यही खा रही हूँ, एक हफ्ते के सितंबर अक्टूबर से मैं यही सब खा रही हूँ। मेरा वेट इतना गेन हो चुका है, ठीक है, कि फिर मैंने ये लूज टी शर्ट्स मंगवाई हैं, रोडस्टर की है ये। मुझे रोडस्टर की टी शर्ट्स काफ़ी अच्छी लगती हैं, काफ़ी अच्छी होती है, सॉफ्ट होती हैं और हाँ, बट ये लेस मैंने ये खुद लगाया है, वो मैं आपको कभी किसी सेपरेट वीडियो में बताऊँगी। बट चलिए अभी बनाना शेक बनाते हैं, फीलिंग वेरी स्लीपी। व्हाट आई एम थिंकिंग इज थोड़ा सा घर सेट कर लेते हैं, मेरे घर की दशा देख सकते हो आप लोग, थोड़ा सा घर सेट कर लेते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, वर्ड्स भी नहीं मिल रहा, मेरा माइंड इतना ऑक्यूपाइड है ना, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ तो वो ज़्यादा बुरा लगता है। बनाना शेक बनाती हूँ, ठीक है, फ्रूट्स खाती हूँ, पपाया खाती हूँ, उसके बाद शार लूँगी, उसके बाद मैं सोचूँ पेडिक्योर करा लूँ। मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। तो चलिए चलते हैं आप किचन में। सो हियर आई एम एडिंग दिस बनाना और मिल्क ऐड कर दे रही हूँ डायरेक्टली। मैं कोई भी एक्स्ट्रा शुगर नहीं डालूँगी, बट हाँ ड्राई फ्रूट्स मैं ऊपर से डालूँगी बिकॉज मुझे पसंद है ड्राई फ्रूट्स खाना। तो चलिए इसको बना के मिलते हैं। गाइस सच में मतलब जब भी आपको ऐसे लो फील हो रहा हो ना, कुछ अच्छा खा लिया करो, बहुत अच्छा लगता है। अरे मैं तो यही करती हूँ, जब भी मुझे लो फील होता है मैं कुछ अच्छा खा लेती हूँ या घूम आती हूँ, मतलब अकेले, मतलब ज़्यादा लोग ना हो आसपास ऐसा। मैं इसे फिनिश करके मिलती हूँ और थोड़ा सा स्किन केयर भी कर लेती हूँ। मैं सोची थी हेयर केयर भी करूँ, बट क्योंकि मुझे काफ़ी कोल्ड फील हो रहा है तो फिर मैं हेयर केयर नहीं करूँगी, वरना मुझे ठंड लग जाएगी और कल से ऑफिस भी है। तो हाँ स्किन केयर करते हैं क्योंकि मुझे पिंपल्स दिख रहे हैं और मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है। गाइज मैंने फेस पैक लगाया था, अब भी सूख चुका है, मैं जा रही हूँ अपना डिनर प्रिपेयर करने और उसके बाद मैं सो जाऊँगी बिकॉज आई एम वेरी स्लीपी, आई एम वेरी टायर्ड, आई एम नॉट इन द कंडीशन कि मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू करूँ या कुछ भी करूँ, बट हाँ कल मॉर्निंग का ब्लॉग मैं ज़रूर कंटिन्यू करके इसको फिर एंड करूँगी। सो गाइज नेक्स्ट डे हो चुका है, मैंने नहा लिया, मैं बस ऑफिस के लिए निकल रही हूँ और जाते जाते मैं स्पेक्स लूँगी। मुझे इतना हेडेक हो रहा है, एक तो कोल्ड से भी हो रहा है, दूसरा यार क्योंकि आंखों पे बहुत जोर पड़ रहा है, फ़ोन देख रही हूँ, यू नो सिस्टम देख रही हूँ और मतलब बहुत जोर पड़ रहा है, इससे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। तो चलिए चल के पहले अपनी एसेंशियल चीज़ लेते हैं, उसके बाद आगे का दिन शुरू करते हैं। आई होप कि वो बन गया हो, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैम आप ऑफिस जब तक निकलोगे तब तक आपके स्पेक्स रेडी हो जाएंगे। तो चलिए चल के देखते हैं। और आज मेरा मन है, मैंने सोचा है कि मैं बुक पढ़ के हमेशा ट्रैवल किया करूँगी इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन वॉचिंग रील्स। सो यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट पेज पे ही मैं अपना नाम लिखना पसंद करूँगी। ओ गॉड बहुत टाइम बाद पेन पकड़ रही हूँ। यस डन, तो चलिए चलते हैं। गाइज मैं हमेशा अपना फेस कवर कर लेती हूँ क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है। और ये देखो राधे राधे कि मेरे साथ 7 सालों से है, ये स्कार्फ मेरे साथ 7 सालों से, बाकी मुझे ऐसा लगता है कि राधे राधे मेरे साथ 26 सालों से, जब से मैं शायद पैदा हुई थी। यस आई एम अ कृष्णा डिवोटी। तो चलिए चलते हैं। सो गाइज मैंने स्पेक्स ले लिए हैं, बट ये ना फोकल होने में टाइम लग रहा है, मुझे कुछ ज़्यादा ही इसे दूर दूर दिख रहा है, सो इट विल टेक टाइम एडजस्ट होने में। और चलिए अब तो मैं मेट्रो स्टेशन जा रही हूँ। स्पेक्स ज़्यादा ही बड़े हो गए, मुझे दिखाई नहीं, वहाँ पे समझ ही नहीं आया, कोई नहीं फिर बनवा लेंगे। गाइस नेक्स्ट डे हो चुका है, मेरा कल का दिन ख़त्म हो गया। कल मेरा दिन मतलब आई वॉज़ वेरी टायर्ड और थोड़ा ज़्यादा अच्छा भी नहीं गया था, तो फिर मैं घर आके सुबह मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करा, मैं लॉकर रूम में नहीं गई और मैंने फोन उठा के नहीं करा। तो ये वाला ब्लॉग मैं इसको यहीं पर एंड करती हूँ और मैं आज से एक नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो स्टे ट्यून्ड, बाय।